हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल स्टार्ट विद एट्थ फाइलम मोलस्का। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं। मोलस्का टर्म एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुई है, दैट इज मोलिस। मोलिस मीन्स सॉफ्ट बॉडी। सो दीज आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। लेट्स बिगिन विद द जनरल फीचर्स। सबसे पहला जनरल फीचर है हैबिटेट। तो जो हैबिटेट है कैसा होता है इनका, ये ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल भी होते हैं एज वेल एज एक्वेटिक भी होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ एक्वेटिक है तो ये मेरीन फॉर्म्स भी हो सकती हैं और फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हो सकती हैं। दोनों फॉर्म्स इसकी पॉसिबल है। तो हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक है। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? ओशियंस, रिवर, उसके अलावा डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, इवन अंडरग्राउंड। ठीक है, तो कैसा हैबिटेट है? टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। अब इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है? ये ऑर्गेनिजम्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, क्लियर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि पाइला, सेकेंडरली मींस ड्यूरिंग एडल्ट ग्रोथ फॉर्म में, जब ये एडल्ट बन रहे होते हैं तब ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे हम कहते हैं टॉर्जन। टॉर्जन का मतलब क्या है? ट्विस्टिंग। टॉर्जन कौन सी क्लासेस शो करती है, कौन से ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, कैसे होती है, वो हम आगे देखेंगे। सो पाइला जो है वो टॉर्जन शो करता है, जिसकी वजह से इसकी जो एडल्ट फॉर्म होती है वो कैसी होती है? एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, अगला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, क्लियर। फिर जर्म लेयर्स कैसी है यहाँ पे? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सेगमेंटेशन, ये ऑर्गेनिजम्स अनसेगमेंटेड होते हैं। दो सेगमेंटेशन स्टार्ट एनलिडा से हुई थी, ट्रू सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोड्स में भी सेगमेंटेशन होती है, लेकिन जो मोलस्का होते हैं ये अनसेगमेंटेड होते हैं। तो हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों, बॉडी सिमेट्री बायलेटरल होगी। पाइला ड्यूरिंग ग्रोथ, ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज एसिमेट्रिकल होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जर्म लेयर्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सेगमेंटेशन में क्या आएगा, ये अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम इसके अदर फीचर्स देखेंगे। अब अगला फीचर है सीलोम। कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनके पास जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड होती है किससे? मीजोडर्म लेयर से। तो मीजोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी में। अगला क्या है? बॉडी फॉर्म। इनके पास कैल्केरियस शेल होती है जो कि किसकी तरह काम करती है, एक एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव करती है, और ये एब्सेंट होती है इन द केस ऑफ ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस में क्या है? एब्सेंट होती है। इसके अलावा इसका क्या फीचर है, क्या इसकी बॉडी फॉर्म में कंसीडर करेंगे हम लोग? जो बॉडी है मोलस्क की वो डिवाइडेड होती है हेड में। हेड क्या कंटेन कर रहा होता है? आईज और टेंटिकल्स। दूसरा इसके पास होता है विसरल हम, ये इसकी दूसरी बॉडी पार्ट है। मतलब बॉडी डिविजन्स पढ़ रहे हैं ना कि बॉडी किसमें डिवाइडेड होती है, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। तो हेड के पास क्या है? आईज और टेंटिकल्स। विसरल हम्प जो है वो कंटेन कर रहा होता है डाइजेस्टिव ट्रैक, और डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ साथ विसरल ऑर्गन्स। इसके बाद तीसरा क्या है इसमें, इनके पास होता है मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट का काम क्या है? ये एक लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो ये किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो यहां पर इनके पास कैल्केरियस शेल होती है जो कि एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव करेगी। ऑक्टोपस के केस में एब्सेंट होती है, बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट में। हेड कंटेन करती है आईज और टेंटिकल्स, और जो विसरल हम्प है वो कंटेन करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और विसरल ऑर्गन, और जो मस्कुलर फुट है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। अगला क्या है? मेंटल। मेंटल क्या है? ये इसको पेलियम भी कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मोलस्क का। ये क्या है? थिन स्पॉन्जी स्किन लेयर है। थिन स्पॉन्जी स्किन लेयर है, ये बेसिकली एक डेलिकेट कवरिंग होती है किसके ऊपर? विसरल हम्प के ऊपर। तो ये डेलिकेट कवरिंग है ओवर विसरल हम। इसके साथ जो मेंटल कैविटी है वो क्या कंटेन करती है? मेंटल कैविटी फेदर लाइक गिल्स कंटेन करती है, और इन फेदर लाइक गिल्स का काम क्या होता है? ये फेदर लाइक गिल्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन में। तो ये रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ जो मेंटल है इसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, तो ये क्या बनाता है? एक प्रोटेक्शन हुड बनाता है ओवर द हेड। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? कैल्केरियस शेल की सिक्रीशन में हेल्प करता है। कैल्केरियस शेल जो है ये भी एक तरीके से एक्सोस्केलेटन होता है जो कि ओवरऑल प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रहा होता है, बट एब्सेंट इन द केस ऑफ
ऑक्टोपस, ठीक है, तो ये कैल्केरियस शेल की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि मेंटल को पेडियम कहते हैं, थिन स्पॉन्जी स्किन लेयर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉलस्क का, डेलिकेट कवरिंग बनाता है ओवर द विस्ट्रल हम, मेंटल कैविटी कंटेन करती है फेदर लाइक गिल्स, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करेंगे, प्रोटेक्शन में इनके दो फंक्शंस होते हैं मेंटल के, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा और कैल्केरियस शेल की सिक्रीशन में हेल्प करेगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर फीचर्स। बिफोर मूविंग टू अदर फीचर्स, एक बार हम लोग जनरल बॉडी प्लान देखते हैं मॉलस्क का। बॉडी किसमें डिवाइडेड है, इनकी हेड, विस्ट्रल हम्प और फुट में। फुट के पास हम लोग देख सकते हैं कैसा है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, मस्क्यूलर है, और एक मेंटल कैविटी प्रेजेंट है जिसके अंदर फेदर लाइक गिल्स हैं। वो गिल्स किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में। एक ब्लैक कलर की डार्क ब्लैक मार्किंग है, दैट इज शेल किसकी बनी होती है, कैल्केरियस होती है नेचर में। कौन सिक्रीट करता है इसको, मेंटल सिक्रीट करता है। एक हमें ब्राउन कलर की लाइनिंग दिख रही है, दैट्स मेंटल। मेंटल के दो काम्स हैं, एक तो वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन हुड बनाएगा ओवर हेड, और दूसरा कैल्केरियस शेल की सिक्रीशन करेगा। तो यहाँ पर हमें पूरा एक बॉडी प्लान दिया हुआ है कि मॉलस्क कैसा दिखता है, कहाँ कहाँ उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स लोकेटेड हैं। नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स अदर फीचर्स। नेक्स्ट फीचर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका, कंप्लीट है, मतलब इनके पास दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एक होता है एंट्री ऑफ फूड के लिए और दूसरा होता है एग्जिट ऑफ वेस्ट के लिए। कैसी डाइजेशन है इनकी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, यानी कि सेल के बाहर होती है। थर्ड फीचर क्या है इसमें कि इनका फूड कैसे, कौन से क्या चीजें हैं जो ये जिस पर फीड करते हैं, तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। तो ये इनका फूड है, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू जो है वो इनका फूड है। इसके बाद डाइजेशन में एक तो ये होगा कि कंप्लीट है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेड प्लांट एनिमल टिश्यूज पे फीड कर रहे हैं। एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट, जो इनका माउथ होता है वो कंटेन करता है एक फाइल लाइक रेस्पिंग। रेस्पिंग का मतलब क्या है, फीडिंग, फीडिंग ऑर्गन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेड्यूला कहते हैं, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, रेड्यूला कहते हैं। और ये जो रेड्यूला होता है ये क्या कंटेन करता है, आर्म्ड होता है विद ट्रांसवर्स काइटिनस टीथ। तो जो रेड्यूला है ये बेसिकली कर्व्ड और रिबन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ में प्रेजेंट होता है। तो इनकी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट और एनिमल टिश्यूज पे ये फीड करते हैं, माउथ कंटेन करते हैं रेड्यूला जो कि कर्व्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट कंटेन ट्रांसवर्स काइटिनस टीथ। नाउ इन द केस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों है। अगर ये ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक है तो इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे गिल्स, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। और अगर ये ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल है तो इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होगा, लंग्स होगा, ठीक। जो गिल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, टिनिडिया भी कहते हैं, और जो टिनिडिया का सिंगुलर है उस सिंगुलर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टिनिडियम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया गिल्स, लंग्स, टिनिडियम कहते हैं। अब जो गिल्स है वो कॉम लाइक भी हो सकते हैं, मतलब टिनिडिया कह रहे हैं तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम लाइक और फेदर लाइक। और हमने पढ़ा था कि मेंटल कैविटी फेदर लाइक गिल्स कंटेन करती है जो कि किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। तो जो मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी ये कहां प्रेजेंट होते हैं, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो मेंटल कैविटी होती है वो क्या कंटेन करती है, फेदर लाइक गिल्स कंटेन करती है जो कि रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। लेकिन हम क्योंकि यहां रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहां गिल्स का क्या रोल है, रेस्पिरेशन में। अब इनका और क्या काम होता है कि जो भी आसपास के मीडियम में ऑक्सीजन होती है, से फॉर एग्जांपल वाटर में अगर ऑक्सीजन है तो ये उसको कैरी करते हैं और ब्लड को प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं ब्लड को, ठीक है, दे ऑक्सीजनेट द ब्लड। तो एक्वेटिक है गिल्स, टेरेस्ट्रियल है लंग्स, गिल्स ऑल्सो कॉल्ड एज टिनिडिया, दे आर बेसिकली कॉम्ब लाइक और फेदर लाइक गिल्स। फेदर लाइक गिल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं, एंड दे ऑक्सीजनेट द ब्लड। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है हमारा, सेंसरी सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमने देखा था एंटीरियर जो हेड रीजन है वो क्या कंटेन करते हैं, टेंटिकल्स कंटेन करते हैं। ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, टच के लिए, यानी कि ये टच जो स्टिमुलाई है ये उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा, इनके पास आईज प्रेजेंट होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं किसको, लाइट को डिटेक्ट करने का काम करती हैं।
इसके अलावा इनके पास स्टेटोसिस्ट है किसके लिए, बैलेंस के लिए. तो स्टेटोसिस्ट किसके लिए है, फॉर बैलेंसिंग. ठीक है, उसके अलावा इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं फॉर टेस्ट एंड स्मेल. स्मेल और टेस्ट के लिए इनके पास अलग से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है इनके पास जिसे हम बोलते हैं ऑस्फ्रेडियम. ठीक है, ऑस्फ्रेडियम का काम क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है, टेस्ट करता है, चेक करता है केमिकल नेचर ऑफ वाटर. तो ये टेस्ट करते हैं क्या, केमिकल नेचर ऑफ वाटर. ठीक है, इसके अलावा आता है नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम में क्या है, इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है अलोंग विद सेवरल नर्व्स जो कि क्या करते हैं, नर्वस सप्लाई देते हैं टू द बॉडी. तो पेयर्ड गैंग्लिया और बहुत सारी जो नर्व्स हैं, दे प्रोवाइड नर्वस सप्लाई टू द बॉडी. जो गैंग्लिया है इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो क्या होगा, गैंग्लियन. और गैंग्लिया है क्या, दे आर नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स. ठीक है, ये नर्व सेल्स का एग्रीगेशन होता है. तो हमने देखा कि जो सेंसरी सिस्टम है उसके पास, उसमें इनके पास टेंटिकल है, आईज है, स्टेटोसिस्ट है, रिसेप्टर्स है टेस्ट और स्मेल के लिए, ऑस्पीडियम है वाटर का केमिकल नेचर चेक करने के लिए. फिर नर्वस सिस्टम में इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है जिसका सिंगुलर है गैंग्लियन, और पेयर्ड गैंग्लिया के साथ सेवरल नर्व्स है जो कि किसका काम करती है, क्या काम करती है, नर्वस सप्लाई प्रोवाइड करती है टू द होल बॉडी. गैंग्लिया का सिंगुलर इज गैंग्लियन एंड गैंग्लिया इज नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स. नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये ऑर्गेनिजम्स डायोशियस भी हो सकते हैं यानी कि सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं, और मोनोशियस भी हो सकते हैं यानी कि सेक्सेस सेपरेट ना हो. तो अगर ये ऑर्गेनिजम्स डायोशियस हैं जिनमें की सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, तो इसके एग्जांपल्स क्या है, एक एग्जांपल है इसका लॉलीगो, सीपिया, पाइला एंड ऑक्टोपस. ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये कैसे है, ये बेसिकली डायोशियस है जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट है. अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि मोनोशियस होंगे यानी कि जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं है, इसके एग्जांपल क्या है, एप्लीशिया और डोरिस. ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं है. तो अगर ये डायोशियस है, सेक्सेस सेपरेट है, तो ये, और ये मोनोशियस भी हो सकते हैं यानी कि सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ये बाइसेक्सुअल है, सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो एग्जाम्पल इज एप्लीशिया एंड डोरिस. अगला क्या आता है, फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल भी हो सकती है और साथ ही साथ एक्सटर्नल भी हो सकती है, लेकिन मोर कॉमन कौन सी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज मोर कॉमन, दैट इज विद इन द बॉडी. तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है बट ये मोर कॉमन वन है. अगला क्या है, डेवलपमेंट. अब ये डायरेक्ट भी हो सकती है और ये इनडायरेक्ट भी हो सकती है. अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी कि लार्वल फॉर्म्स इन्वॉल्व नहीं है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, लॉलीगो, ऑक्टोपस. ठीक है, आप ये एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो कि इन ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या है, बिना लार्वा के डेवलपमेंट हो रही है. फिर इनडायरेक्ट लार्वल फॉर्म्स के थ्रू होगी, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस होती हैं. कौन कौन से लार्वा हो सकते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा हो सकता है, वेलिगर हो सकता है, ग्लोशीडियम हो सकता है. सो ये सारे बेसिकली लार्वल स्टेजेस होती हैं, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं जो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, पाइला, एप्पल स्नेल और यूनियो. ठीक है, मैं आपको दो दो एग्जांपल्स दे रही हूं. सो हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायोशियस सेक्सेस सेपरेट है, तो ये एग्जांपल्स हैं. अगर सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, मेल फीमेल प्रेजेंट विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, तो ये एग्जांपल्स हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकती है, इंटरनल मोर कॉमन है. अगर डेवलपमेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगी. डायरेक्ट विदाउट लार्वल फॉर्म्स लॉलीगो और ऑक्टोपस में मिलेगी, विद लार्वल फॉर्म्स फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस होंगी. फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस कौन कौन सी, ट्रोकोफोर, वेलिगर, ग्लोशीडियम, किन में मिलेगा, पाइला और यूनियो. और इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट है, नियोपिलीना. आप लोगों ने जैसे इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स एक लिविंग फॉसिल पढ़ा था, लिम्यूलस किंग क्रैब, यहाँ पे जो नियोपिलीना है इट्स अ लिविंग फॉसिल. ये थोड़ा अलग है इनसे, इसका इन तीनों पार्ट से कोई लेना देना नहीं है. ये एक एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ कि जो नियोपिलीना है ये लिविंग फॉसिल है,
हमने स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, बट अगेन एक्सेप्शन है, नियोपिलिना लिविंग फॉसिल है और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ठीक है. वैसे ही ऑर्गेनिजम्स अनसेगमेंटेड होते हैं बट नियोपिलिना इज द ओनली वन जो कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड है. तो नियोपिलिना एक लिविंग फॉसिल है और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, क्लियर. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्ल फॉर्मेशन. सो पर्ल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोती, राइट. अब जो मोलस्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फेमस हैं पर्ल फॉर्मेशन के लिए, उसका एक एग्जाम्पल है पिंटाडा वल्गैरिस, ठीक है. तो पर्ल्स जो हैं ये कैसे बनते हैं, अब आप लोग पहला इस डायग्राम का पहला पार्ट देखो लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसमें कि दिखा रखा है कोई भी फॉरन बॉडी आइदर सैंड और पैरासाइट शेल और मेंटल के बीच में एंटर करेगा. आप लोगों को शेल और मेंटल की लोकेशन पता है, हमने अभी बेसिक बॉडी प्लान देखा, उसके बीच में एंटर करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से जो मेंटल है वो सिक्रीट करेगा. सेकेंड पार्ट में देखो अभी इसी डायग्राम के, वो सिक्रीट करेगा क्या, नेक्रे. नेक्रे की कॉन्सेंट्रिक लेयर्स सिक्रीट करेगा अराउंड दिस फॉरेन पार्टिकल, और जितना भी डिपोजिशन है नेक्रे का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी इरिटेशन वो कॉज कर रहा है फॉरेन पार्टिकल, ठीक है. उसके बाद केमिकली जो पर्ल है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. एंड एक पर्ल की फॉर्मेशन में सेवरल ईयर्स लगते हैं, काफ़ी साल लगते हैं. और जो फादर है पर्ल इंडस्ट्री के, ही इज़ नन अदर देन कोकिची मिकीमोटो ऑफ टोबा जापान के, इज नोन एज द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री. इन्होंने आर्टिफिशियल मेथड्स देखे थे टू इंड्यूस फॉरन पार्टिकल बिटवीन मेंटल एंड द शेल ऑफ द पर्ल ऑयस्टर. तो ये जो है ये स्टिम्युलेट करता है पर्ल फॉर्मेशन इवन इन द ऑयस्टर्स. और यहाँ डायग्राम में मैंशनड नहीं है, लेकिन जो शेल होती है उसकी तीन लेयर्स होती हैं, पेरी ऑस्ट्रैकम, प्रिज्मैटिक लेयर एंड नेक्रियस लेयर, दैट इज मदर ऑफ पर्ल. काइंडली नोट डाउन, शेल की तीन लेयर्स हैं, पेरी ऑस्ट्रैकम, दूसरी लेयर है प्रिज्मैटिक लेयर और तीसरी है नेक्रियस लेयर. ये तीनों लेयर जो हैं ये मिलकर एक शेल का पार्ट बनाती हैं, एक शेल बनाती हैं इनफैक्ट. तो शेल की ये तीन लेयर्स हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पर्ल फॉर्मेशन. द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज क्लासिफिकेशन. किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन शेल एंड फुट. शेल और फुट के बेसिस पे हम लोगों ने मोलस्का को क्लासिफाई किया है इनटू सिक्स क्लासेस. पहली क्लास क्या है, मोनोप्लैकोफोरा. दूसरी है पॉलीप्लैकोफोरा और इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीन्यूरा. थर्ड इज स्कैफोपोडा. फोर्थ इज गैस्ट्रोपोडा. फिफ्थ इज पेलिसिपोडा विच इज ऑल्सो नोन एज बायवेल्विया. लास्ट है सिफेलोपोडा जिसे हम साइफेनोपोडा भी कहते हैं. अब हम इन सिक्स क्लासेस को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट क्लास इज मोनोप्लैकोफोरा. इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स फ्लैटेंड हैं, बायलेटरल हैं और उनकी ओवल बॉडी है. अब बॉडी जो है वो एनलिडन कैरेक्टर्स भी शो करती है और मोलस्कन कैरेक्टर्स भी शो करती है. एनलिडन कैरेक्टर्स कैसे शो कर रही है, उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं. हमने सबसे पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स अनसेगमेंटेड होते हैं, लेकिन मोनोप्लैकोफोरा के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो कर रहे हैं. उसके बाद इनकी बॉडी एनक्लोज्ड होती है मेंटल में. मेंटल किसका कैरेक्टर फीचर है, मोलस्क का. तो ये मोलस्क कैरेक्टर हो गया. इसीलिए जो नियोपिलिना गैलेथिया है, गैलेथिया इज द स्पीशीज, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिड्स एंड मोलस्क. तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोनोप्लैकोफोरा. तो द सेकेंड क्लास इज पॉलीप्लैकोफोरा और एम्फीन्यूरा. इस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेरीन हैं, बायोलेटरली सिमेट्रिकल हैं, बॉडी इलोंगेटेड होती है और माउथ और एनस दो अपोजिट एंड्स पर प्रेजेंट है. हमने पढ़ा था इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. सो माउथ और एनस दो अपोजिट एंड्स पर प्रेजेंट हैं. हेड के पास आइज भी नहीं है और टेंटिकल्स भी नहीं है. वेंट्रल सरफेस के पास एक फ्लैट फुट है. शेल प्रेजेंट होती है और शेल किसको किसकी बनी होती है, क्या कंसिस्ट करती है, 1 to 8 प्लेट्स. ओके, अब आप लोगों को एक पिक्चर दिख रही है, ये कीटो प्लूरा की पिक्चर है. कॉमन नेम इज काइटन, उसकी पिक्चर है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है. सो जो काइटन है, इट्स अ साइंटिफिक नेम एज वेल. इसका कॉमन नेम है कोट ऑफ मेल शेल और दूसरा है कीटो प्लूरा, जिसको आप काइटन भी कहते हो. तो आप लोग देख सकते हो इसमें आपको 8 प्लेट्स क्लियरली विजिबल हैं कि शेल के पास क्या है, 1 to 8
प्लेट्स हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं किसके, पॉलीप्लेकोफोरा के, मेरीन बायलिटरली सिमेट्रिकल, हेड के पास आइस टेंटिकल्स नहीं है, माउथ और एनस अपोजिट एंड्स पे लोकेटेड है एंड शेल कंसिस्ट ऑफ 1 to 8 प्लेट्स। नाउ थर्ड क्लासेस स्केफोपोडा। स्केफोपोडा में क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स मेरीन हैं, दे बरो इन मड एंड सैंड, ऑफकोर्स बायोलिट्रली सिमेट्रिकल हैं, इनके पास ट्यूब्यूलर शेल है ओपनिंग एट बोथ एंड्स। शेल तो सब में प्रेजेंट है कैलकेरियस, अब ये जो शेल है ये ओपन होती है दोनों एंड्स पर, हेड के पास प्रीहेंसाइल टेंटिकल्स हैं। हमने पहली वाली क्लास में देखा कि ना तो उसके पास आइज है ना टेंटिकल्स हैं, पॉलीप्लेकोफोरा में, स्केफोपोडा में प्रीहेंसाइल टेंटिकल्स हैं। फुट जो है वो कॉनिकल है और किसके लिए यूज़ होती है, डिगिंग के लिए यूज़ होती है। डायोशियस हैं, सेक्सेस सेपरेट हैं, दे आर ऑफन कॉल्ड एज टूथ शेल और टस्क शेल। इनको या तो टूथ शेल कहते हैं या फिर टस्क शेल कहते हैं। एग्जाम्पल इज डेंटेलियम, कॉमन नेम इज एलिफेंट टस्क शेल। तो ये स्केफोपोडा है, मेरीन बायलिटरली सिमेट्रिकल, ट्यूब्यूलर शेल ओपन एट बोथ एंड्स, फुट कॉनिकल यूज फॉर डिगिंग, सेक्सेस सेपरेट कॉमनली कॉल्ड एज टूथ शेल और टस्क शेल, एग्जाम्पल इज डेंटेलियम। नाउ द फोर्थ क्लास इज गैस्ट्रोपोडा। ये लार्जेस्ट क्लास है, क्या क्या कॉम्प्राइज करती है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, लिम्पिड्स, स्लग्स, स्नेल्स एट्सेट्रा। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स बायलिटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन टॉर्शन ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से एडल्ट स्टेज में कुछ ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग ग्रोथ एसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो टॉर्शन है ये सिर्फ गैस्ट्रोपोड्स का है, ठीक है। शेल किसकी बनी हुई है, मेड ऑफ वन पीस इंक्लोजिंग विसरल मास। तो बेसिकली ये लार्जेस्ट क्लास है, ठीक है, और यहाँ पर जो शेल है वो बनी हुई है वन पीस की, जो क्या इंक्लोज कर रही होती है, विसरल मास इंक्लोज कर रही है। शेल इज मेड अप ऑफ वन पीस इंक्लोजिंग द विसरल मास। ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, मेरीन फॉर्म्स भी हैं इनकी। इसके अलावा जो बकल कैविटी है वहाँ पे ओडोंटोफोर है विद अ रेडुला। रेडुला हमने पढ़ा था ये फीडिंग ऑर्गन है, कर्व्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, माउथ में होता है। तो रेडुला जो है उसके पास काइटिनस टीथ तो है पर बकल कैविटी में एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज ओडोंटोफोर। इस क्लास का जो कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है वो है वेलिगर लार्वा, जो कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट्स हैं, तो ये क्लास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती है वेलिगर लार्वा के थ्रू। जितने भी अर्ली एम्ब्रियोज हैं वो सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल है मतलब उनका जो माउथ है वो एंटीरियर है और जो एनस है वो पोस्टीरियर है, लेकिन जब टॉर्शन होगा, ट्विस्टिंग होगा, टॉर्शन अकर्स एट 180 डिग्रीज, जब 180 डिग्री पर ट्विस्टिंग होगी तो उसकी वजह से जो एनस है वो माउथ के नियर बाय आ जाएगी। तो जो एनस पहले पोस्टीरियर थी अब वो भी क्या हो गई, एंटीरियर। तो माउथ और एनस दोनों एंटीरियर होते हैं। व्हाट आई सेड इज कि पहले ही ऑर्गेनिजम्स सिमेट्रिकल हैं, माउथ एंटीरियर है, एनस पोस्टीरियर है। 180 डिग्री पे ट्विस्टिंग हुई तो जो पोस्टीरियर एनस थी वो अब क्या बन गई, एंटीरियर, माउथ के पास आ गई। तो माउथ और एनस दोनों क्या हो गए, एंटीरियर, और इसकी वजह से जो सिमेट्री प्रेजेंट होगी दैट वुड बी एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। किस किस में मिलते हैं, एग्जाम्पल पाइला एप्पल स्नेल, कॉमन नेम एप्लीशिया, सी हेयर, डोरिस सी लेमन, लाइमेक्स ग्रे स्लग, एकेटिना जिसका कॉमन नेम है लैंड स्नेल। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ गैस्ट्रोपोडा एंड डू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद देयर कॉमन नेम्स। क्लास है पेलिसिपोडा, ऑल्सो नोन एज बायवेल्विया। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, क्लैम्स, मसल्स, ऑयस्टर्स, स्केलोप्स एंड रिलेटेड बायवेल्व मोलस्क। बॉडी वही लिटरली कॉम्प्रेस्ड है, बायवेल्व में enclosed है, कोई हेड नहीं है, टेंटिकल्स नहीं है, आइज नहीं है, जॉज, रेड्यूला कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। फुट जो है ऑफन हैशेड शेप्ड है, ये एक्सटेंड करता है बिटवीन द मेंटल लोब्स। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स फिल्टर फीडर्स होते हैं, हमें पता है, हमने पहले भी एक फाइलम में फिल्टर फीडर्स का डिस्कशन किया है, आई होप यू डू रिमेंबर दैट। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स डायोशियस होंगे और लार्वा कौन सा होगा, वेलिगर और ग्लोशीडियम लार्वा होगा। मोस्टली मेरीन होते हैं पर कुछ इसकी वाटर, फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल यूनियो, ये फ्रेश वाटर मसल है। दूसरा एग्जाम्पल माइटिलस है, सी मसल। पेक्टिन, कॉमन नेम इज स्केलोप, पिंक टाडा, दैट्स पर्ल ऑयस्टर। देन यू हैव ऑस्ट्रिया, इट्स ऑल्सो अ पर्ल ऑयस्टर। लेमेलीडेंस होते हैं, इनका कॉमन नेम मसल है। तो ये एक क्लास है पेलिसिपोडा, एनक्लोज्ड होती है बाइवेल्व्स के अंदर, इसके पास हेड, टेंटिकल्स, आइज, जॉज, रेडुला सब कुछ एब्सेंट होता है। सो डू रिमेंबर ऑल दी फीचर्स एंड दी एग्जाम्पल्स।
सिक्स्थ क्लासेस सिफेलोपोडा और साइफेनोपोडा. इसके अंदर स्क्विड्स, ऑक्टोपोड्स, कटलफिश, नॉटिलॉइड्स आते हैं. नॉटिलॉइड्स आर लिविंग फॉसिल. ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है, ठीक है. ये कंटेन करते हैं स्पेशलाइज्ड, ये मोस्ट स्पेशलाइज्ड मोलस्क कंटेन करती है क्लास सिफेलोपोडा. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जो फुट है वो लोकेटेड होता है हेड पर और मॉडिफाई हो जाता है ओरल आर्म्स में. नॉटिलस के पास एक एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होती है और बाकी कुछ अदर सिफेलोपोड्स में शेल रिड्यूस्ड होती है और एनक्लोज्ड होती है विद इन द बॉडी और कुछ केसेस में तो कंप्लीटली लॉस्ट होती है. हेड जो है वो डिस्टिंक्ट है, लार्ज है, उसके पास वेल डेवलप्ड आईज हैं. हेड सराउंडेड है रिंग ऑफ टेंटिकल्स से. पार्ट ऑफ फुट, कुछ पार्ट जो है फुट का वो क्या बनाता है, एक फनल शेप्ड साइफन बनाता है. अब ये जो साइफन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है सिफेलोपोड्स का यहाँ से डिस्कवर हुआ, यहाँ पे डेवलप होता है, दैट इज जेट प्रपल्शन. तो ये लोकोमोशन किसके थ्रू करते हैं, जेट प्रपल्शन के थ्रू करते हैं. लोकोमोट करेंगे कैसे, जो भी वाटर है साइफन के थ्रू ये बाहर एक्सपेल कर देंगे. इंक ग्लैंड्स जो हैं वो स्क्विड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑफेंस और डिफेंस के लिए. जब भी स्क्विड पर अटैक होगा तो ये इंकी फ्लूइड का एक क्लाउड बना देते हैं थ्रू इट्स साइफन. ये एक स्मोकी स्क्रीन जो है ये इंटरफेयर करती है विजुअल और कीमो रिसेप्टर्स से प्रिडेटर के. अब प्रिडेटर के आगे एकदम से एक स्मोकी स्क्रीन बन गई तो उनको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से स्क्विड्स जो हैं इजीली एस्केप कर जाते हैं. तो इंक ग्लैंड्स ऑफेंस और डिफेंस में स्क्विड्स की हेल्प कर रहे हैं. एग्जांपल्स दे रखे हैं सीपिया, कॉमन नेम कटल फिश, लॉलीगो, कॉमन नेम स्क्विड और सीएरो. उसके बाद ऑक्टोपस, कॉमन नेम इज डेविल फिश, स्पायरुला, स्पायरल शेल है, आर्किट्यूथिस जो है इट्स अ जायंट स्क्विड. ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सिफेलोपोड्स के अलॉन्ग विद द फीचर्स फुट लोकेटेड ऑन हेड, जेट प्रोपल्शन और इंक ग्लैंड्स. ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो इसी क्लास में मिलते हैं. सो डू रिमेंबर दैट. आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. सबसे पहले है आर्किट्यूथिस, कॉमनली इसको जायंट एटलांटिक स्क्विड भी कहते हैं. ये लार्जेस्ट हेवीएस्ट इनवर्टिब्रेट है, 55 फीट इसकी लेंथ है, 55 फीट लॉन्ग है ये. उसके बाद नॉटिलस, ये सिफेलोपॉड है विद एक्सटर्नल शेल और इसमें इंक ग्लैंड एब्सेंट होता है. जबकि नॉटिलस सिफेलोपॉड है तो इसमें इंक ग्लैंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इंक ग्लैंड एब्सेंट होता है. अब सिफेलोपॉड्स कलर चेंज भी शो करते हैं, किसकी वजह से, क्रोमैटोफोर्स की हेल्प से. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आर्किट्यूथिस, नॉटिलस एंड क्रोमैटोफोर्स. सो नोटेड डाउन. सो हियर वी एंड विद द फाइलम मोलस्का. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकाइनोडर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा है. आप लोगों को इस लेक्चर से या प्रीवियस लेक्चर से या क्वेश्चन या कोई भी कैसा भी डाउट हो या कोई आप लोगों का सजेशन हो वो आप लोग मुझे मेल के थ्रू या कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो गाइज, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग. थैंक यू. So here you have your practice questions. In case you find any difficulty in solving these questions or regarding this lecture or any other lecture, please be free to ask and just keep learning, keep working, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.